हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। आज जो हम पढ़ेंगे क्रिकेट से संबंधित पढ़ेंगे जीएस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में एवी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करी है। ठीक है, तो ये विश्व लेवल पर काफ़ी विख्यात क्रिकेटर रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है इनके बारे में पढ़ना। तो देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एवी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। कब? सभी प्रारूपों से कर दी है। ठीक है, उन्होंने 2018 में पहले ही कब 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि 2011 में फ्रेंचाइजीज में शामिल होने के बाद से किसमें फ्रेंचाइजी में शामिल होने के बाद से एवी डिविलियर्स ने अभी भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी कि आरसीबी के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, लेकिन अब नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास अब ले लिया है। ठीक है, तो 37 वर्षीय ने कौन 37 वर्षीय 37 वर्षीय एवी डिविलियर्स ने 17 साल के करियर को समाप्त करते हुए, जिन्होंने प्रोटियाज यानी कि दक्षिण अफ्रीका के लिए 114 टेस्ट, 228 एक दिवसीय, 78 T20 मैच खेलते देखा गया है या उसके लिए खेले हैं। तो इतना कुछ डाटा नहीं पूछेगा, ये पूछेगा हाल फिलहाल में उन्होंने जो ऑप्शन दे देगा चार, ये हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से निम्नलिखित में से किसने संन्यास लिया है, तो आप बता सकते हैं एवी डिविलियर्स। ठीक है, या इससे संबंधित जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इससे संबंधित ही फैक्ट पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और देखते हैं इनके बारे में। एक मिनट। हाँ, एवी डिविलियर्स ने आरसीबी के लिए 156 मैच खेले, जिसमें उन्होंने आईपीएल खेलते हुए कितने रन बनाए, 4491 रन बनाए। वह विराट कोहली के बाद दूसरे सर्वाधिक अग्रणी रन स्कोरर हैं। कौन है? दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले। ठीक है, आरसीबी के इतिहास में मुंबई इंडियंस 2015 मुंबई इंडियंस के खिलाफ 133 और गुजरात लॉयंस 2016 में ठीक है के खिलाफ 129 रन के साथ दूसरे और तीसरे सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत रन बनाने। पहले कौन है? गेल। कौन? क्रिस गेल। ठीक है, उन्होंने 175 रन बनाए थे पुणे के खिलाफ। ठीक है, तो पहले वो हैं, तो वो नहीं पूछेगा आपको, फिलहाल पूछेगा हाल फिलहाल में किसने कराए। ठीक है, तो आज का हमारा जीएस का टॉपिक ख़त्म होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।